Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। लास्ट टाइम जैसे हमने प्रिडिक्ट करा था, मार्केट ने उस लेवल्स की रिस्पेक्ट करी एंड जो सपोर्ट थी उस सपोर्ट के नीचे जाके मार्केट बंद हुई थी। अब कल जो है कि हमारा अगेन इम्पॉर्टेंट इवेंट है, थर्सडे का दिन है, एक्सपायरी का दिन है एंड देखते हैं पोजीशंस कैसी हैं। कल एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है जिसके अंदर आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो ज़्यादातर लोगों ने कॉलें और पुट्टें दोनों खरीद रखी होंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है कि नॉर्मली जब ऐसा इवेंट्स होता है तो मार्केट उस टाइम पे बड़ा रिएक्ट नहीं करती है एंड मार्केट रेंज बाउंड रहती है जब तक वो इवेंट चलता है एंड आफ्टर जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। चलिए एक बारी देखते हैं कैसी पोजीशंस हैं मार्केट के अंदर। एंड सबसे पहले निफ्टी के मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली जैसे कि हमारे को पता है मंथली हमारा ऊपर ही चल रहा है। मंथली का हमारा लेवल क्या है, मंथली हमारा लेवल चल रहा है 19246। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो मंथली तो हम तेज ही हैं, सो मंथली वी आर बुलिश। लेट अस चेक आउट वीकली। वीकली चार्ट पे चलते हैं, वीकली चार्ट पे भी हम बीरिश हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, जिसके अंदर 19666 ये हमारा एक वीकली लेवल आ रहा है। तो वीकली में जो हम चल रहे हैं वो बीरिश चल रहे हैं। मंथली की जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, वीकली के अंदर हमारी रेड कैंडल आ रही है। डे पे चलते हैं, डे पे आज हम बुलिश हो गए हैं। जो हमारी लास्ट रेड कैंडल थी इसके ऊपर आज क्लोजिंग हो गई है एंड डे पे हम बुलिश हो गए हैं। तो यानी मिक्स्ड काइंड ऑफ ट्रेंड जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है, यानी इस पोजीशन से हमारे को ये दिख रहा है कि मार्केट जो है नॉर्मली रेंज बाउंड चल रही है। अब आज देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ इंट्राडे। तो लेट अस पुट इट ऑन अ 5 मिनट चार्ट एंड थोड़ा सा चार्ट को छोटा करते हैं एंड लेट अस चेक आउट आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट सुबह यहाँ खुली, उसके बाद बहुत नीचे गई एंड समवेयर अराउंड 19,400-500 के आसपास, 480 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बड़ी रैली नीचे से जो बनी एंड एंड ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर बहुत स्पीड से एक रैली बनी, जिसके अंदर नॉर्मली जिन जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा होगा वो सारे शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हुए होंगे। नॉर्मली बाइंग जो है वो ऐसे नहीं चलती, तो नॉर्मली शॉर्ट्स जो हैं वो ट्रैप हुए होंगे इस रैली के अंदर। देखते हैं अब ऑप्शन चेन का जो डाटा है वो हमारे को क्या बताता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन का डाटा आ रहा है। निफ्टी आज जो क्लोज हुई है 19632 के आसपास बंद हुई है, तो 19600 जो कॉल है वो हमारी एट द मनी है। तो देखते हैं एक बारी हमारी जो पोजीशंस हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमारे को यहाँ पे दिख रहा है इट इज समवेयर अराउंड 19800 एंड 19700 की कॉल्स में हमारे को हाईएस्ट ओआई मिल रहा है, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है कल के लिए। पुट की साइड पे चलते हैं, पुट्स के अंदर हमारे को 19500 की पुट्स के अंदर काफी ज्यादा राइटिंग नजर आ रही है, जो हमारा एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है। तो कल हमारे को जो लेवल्स वॉच करने हैं, इवन हमारा मंथली एंड वीकली भी जो है वो भी हमारा सपोर्ट ही कर रहा है, रेंज बाउंड मार्केट ही लग रही है, तो कल जो मार्केट बंद होनी चाहिए वो 19800 से 19500 के बीच में कहीं बंद होनी चाहिए। आज भी मार्केट ने 19480 के आसपास सपोर्ट लिया है। डेली भी हम तेज हो गए हैं, वीकली भी हम मंदे हैं, तो इस रेंज के बीच में नॉर्मली मार्केट जो है हमारी कल क्लोज हो सकती है। तो इस टाइम पर जो पुट राइटर्स हैं थोड़ा सा उनको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एंटिसिपेशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर कोई मेजर चेंज आ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, तो मार्केट उसको नेगेटिव ले सकती है। पुटे वैसे जो है वो ज्यादा बिकी हुई है, तो पुट राइटर को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, कॉल राइटर को थोड़ा सा दूर रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। मंथली अभी हम बाय में ही हैं, 44957 जो है ये हमारी मंथली सपोर्ट आ रही है। वीकली चार्ट पे चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। वीकली चार्ट्स के अंदर हम बेयरिश हैं
एंड वीकली के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस है इट इज समवेयर अराउंड 45512। ये जो डाटा है ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है विद investing.com। investing.com में हमारा जो डाटा आ रहा है 45546 आ रहा है, तो जो डाटा हम कंसिडर करते हैं वो नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। तो इन्वेस्टिंग में 512 आ रहा है डाटा 45512 एंड ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये डाटा आ रहा है 45546। तो हमें ट्रेडिंग व्यू का ही डाटा लेना है, तो 45546 के अभी हम नीचे ही हैं, तो इसको हमने एज अ रेजिस्टेंस मार्क करा हुआ है। तो मंथली के अंदर हम अप हैं, वीकली में बैंक निफ्टी में डाउन है, डेली देखते हैं एक बारी क्या है। डेली में भी बैंक निफ्टी आज इवन तो मार्केट के अंदर बड़ी रैली आई, बट डेली के अंदर भी बैंक निफ्टी जो है हमारे लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाई है। तो बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। चलिए एक बार इंट्राडे चार्ट देखते हैं एंड देखते हैं आज क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर। जब निफ्टी बढ़ी तो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी बढ़ी एंड बैंक निफ्टी भी सुबह से काफी वीक थी। निफ्टी ने तो अपना दिन का हाई तोड़ दिया था, बट बैंक निफ्टी जो गिर रही थी वो नीचे जाने के बाद यहाँ से कहीं से हमारी इंट्राडे बाइंग हुई एंड जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी कहीं यहाँ टूट गई, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन हमारी चलती रही एंड में अच्छी शॉर्ट कवरिंग इसमें भी हमारे को देखने को मिली है। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास क्या लेवल्स आते हैं। बैंक निफ्टी जो हमारी बंद हुई है इट हैज क्लोज्ड एट 44880 पे हम बंद हुए हैं, यानी समवेयर अराउंड 44900 हमारा एट द मनी बनता है। अब 45900 जो है इसके अंदर 200000 का ओपन इंटरेस्ट है, 45000 कॉल्स इसके अंदर अभी तक जितनी भी हमने ऑप्शन चेन हर हफ्ते हमने वीडियोस देखी हैं, किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर हमारे को बैंक निफ्टी में 400000 का ओपन इंटरेस्ट नहीं नजर आया है। यानी 45000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल एंड इतनी पास कॉल राइटर काम कर रहा है और ऐसे बड़े दिन, तो विच इज गिविंग मी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ऐसे बड़े इवेंट वाले दिन जिस दिन नॉर्मली लोग काम करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि ऐसे दिन जो है मार्केट के अंदर एक तूफान आना है, तो उस तूफान के अंदर हम दूर काम करें या ना काम करें वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए एक बारी देखते हैं पुट साइड पे, अगर हम देखें पुट साइड के अंदर जो पुट राइटर है वो 44500 पे है विच इज 241000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि 45000 के अंदर कॉल राइटर है एंड 45000 जो है इसके आसपास हमारा जो डेली है लेवल आ रहा था। निफ्टी ने आज जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है, ऐसा हो सकता है कि कल जो 45000 का कॉल राइटर है ये ट्रैप हो सकता है, तो इसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। बट मोर ओवर 44500 के जो पुट राइटर्स हैं थोड़ा सा उनको कॉशियस रहना चाहिए, वैसे तो दूर है बट ऐसे इवेंट वाले दिन अगर हम ना ट्रेड करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये तूफान आना है, तो उस टाइम पे राइटिंग जो है वो ज्यादा रिस्की रहती है एज कंपेयर टू बाइंग। तो कल मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी जो है अभी जो डाटा हमारे को बोल रहा है 44500 से 45000 के बीच में होनी चाहिए, बट मैं 45000 को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर का लेवल लूंगा विच इज द सेकंड हाईएस्ट ओआई विच इज समवेयर अराउंड 46000। तो मैं मान के चल रहा हूं बैंक निफ्टी के अंदर कल एक बड़ा मूव बाजार में हमारे को देखने को मिल सकता है। 45000 के कॉल राइटर्स अगर ट्रैप होंगे तो फिर यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को हमारे को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन को पहले रीड करिए, उसको इंट्राडे भी ध्यान रखिए कि ऑप्शन के अंदर कैसे कैसे पोजीशन जो है वो चेंज हो रही हैं एंड उसके बाद जब भी ट्रेड करना है तो कोई स्ट्रेटजी बना के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC इज नाउ अ स्कूल ऑफ 10 मिलियन लर्नर्स, अवार्डेड ट्वाइस बाय दिल्ली सिटी आइकॉन अवार्ड्स। सो लेट्स बिगिन UDTS ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC।